السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وما جاء بالسجئة فلا يجزى إلا مثلها محترم ديني وملي بھائيو نوجوان ساتي وبزرغو. कुर मजीद की बड़ी मशहूर आयत करीमा आपके रूबरू पढ़ी गई है जिसका मतलब यह है अल्लाह ताला फरमाता है नेकी पर अजर के सिलसिले में और गुनाहों पर सज़ा के सिलसिले में अल्लाह ताला अपना उसूल बयान कर रहा है कि नेकी करने वाले को हम कितना अजर देते हैं अल्लाह ताला कहता है कि जो बंदा नेक काम करता है नेकी का कोई काम करता है तो हम उसको दस गुना बढ़ा कर देते हैं और कोई अगर एक गुनाह करता है तो हम उतना ही सज़ा देते हैं यानी एक बुराई पर एक गुना तो ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है उसकी शफ़क़त उसकी सखावत है और रहम दिली है हम बंदों पर कि गुनाहों के सिलसिले में अल्लाह ताला अदल से काम लेता है और नेकी के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसूल है कि फ़जल से काम लेता है गुनाहों पर अदल है और नेकियों पर अल्लाह का फजल होता है इसी की वजाहत के लिए नबी करीम सलात वसलाम की जो हदीस हमारे सामने है वो हदीस क़ुसी है हदीस कदसी का मतलब ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रवायत कर रहे हैं इसको हदीस कुदसी भी कहते हैं हदीस रब्बानी भी कहते हैं हदीस इलाह भी कहते हैं अलग अलग इसके नाम हैं बहरहाल मतलब ये होता है कि नबी पाखर असलात वाम ये अल्लाह तबारक व तआला से रवायत कर रहे हैं हदीस कुदसी भी अल्लाह की तरफ़ से है कुरान भी अल्लाह की तरफ से तो फ़र्क़ क्या है फ़र्क़ यह है कि कुरान अल्लाह का मज़जा है फ़र्क़ यह है कुरान के लफ् और मफहूम की हिफाजत हर हर चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है हदीस खुदी के बारे में अल्लाह ने यह वादा नहीं किया हदीस खदसे में इसी वजह से देखेंगे कि आपको जयप भी मिल जाएगी और सही हदीस भी मिल जाएगी एक तीसरी चीज़ यह है फ़र्क दोनों में कि कुरान की तिलावत पर आपको अज़्र मिलता है एक हर पर दस नैकियाँ मिलती हैं लेकिन हदीस खुदी के सिलसिले में अल्लाह रबुल्ज़त ने यह वादा नहीं किया है हज़रत अब्दिल्ल बिन अब्बास रज़ील नुमा ये हदीस के रावी हैं फरमाते कि रसूल सल्हबी कि अल्लाह के नबी सब से यानी अल्लाह रब्ल से रवायत करते हैं कहते कि इन अल्लाह का तबल हसनती व्याती तबारक वालियों को और गुनाहों को अच्छाइयों को और बुराइयों को अल्लाह ने लिख रखा है ये जुमला तकदीर से ताल्लुक़ रखता है कि हमारा और आपका ये अक़ीदा ये ईमान होना चाहिए कि जो कुछ आइंदा रोनुमा होने वाला है जो कुछ हमसे और आपसे काम होने वाले हैं नेकी के हों या बुराई के हों, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह इज़्ज़त ने हमारी तकदीर में लिख रखी हैं ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा है यह भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़त है सिफ़त फैली अल्लाह ताला काम करता है अल्लाह लिखता है अल्लाह सुनता है अल्लाह देखता है अल्लाह बोलता है अल्लाह कलाम फ़रमाता है उसकी कैफियत क्या है हम इस पर गुफ्तगू नहीं करते हमको मना किया गया है। बस अल्लाह सुनता है अल्लाह देखता है अल्लाह पैदा करने वाला है अल्लाह लिखता है उसकी कैफियत क्या है हमसे मौजूद है हमको इससे मना किया गया है इसलिए कि कुरान की बड़ी मशहूर आयत गरिमा है लई सा का मिसली शई बस इतना मान लो कि अल्लाह की, अल्ला की ज़ात हमारे जैसे नहीं है अल्लाह का बोलना अल्लाह का सुनना अल्लाह का कलाम करना अल्लाह का कोई भी काम करना लई सा का मितई हमारे जैसा नहीं है हम अपने आप को उससे मुशावे नहीं कह सकते लेकिन हाँ इतना है कि यह अल्लाह रबुल्ज़त की सिफत है कि अल्लाह काम करता है अल्लाह बोलता है अल्लाह सुनता है अल्लाह लिखता है जैसा कि इससे वाज हुआ लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने डी हमको नहीं दिया अल्लाह रबुल्ज़त कादिर है, हर चीज़ कर सकता है कादर मुतलक है कादर मुतलक है अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है वो किसी निज़ाम का पाबंद नहीं किसी कानून किसी दायरे का पाबंद नहीं अल्लाह लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला एक निज़ाम तय करके हमको और आपको मखलूक को सिखाता है कि निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारो मुझे देखो कि मैं किस तरीके से पूरी कायनात तो एक निज़ाम के तहत चला रहा हूँ निज़ाम के तहत ही हर काम चल सकता है अगर बखूबी किसी काम को करना है किसी मिशन और किसी हदफ तक अपने आप को पहुँचाना है उसको अच्छे तरीके से अंजाम देना है तो निज़ाम के तहत चलू ये कायनात का पूरा निज़ाम इस बात की दलील है सूरज का अपने वक्त पर निकलना डूबना चाँद का अपने वक्त पर निकलना डूबना लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निज़ाम का पाबंद नहीं है सब कुछ बगैर निज़ाम के कर सकता है लेकिन देखिए अल्लाह ने अपने निज़ाम के तहत क्या किया कि इनकत अबल हसनती व सयात ये कि अल्लाह ने लोगों की अच्छाइयों को बुराइयों को क्या करने वाले हैं सबको अल्लाह ने लिख रखा है लेकिन तफसीर अल्लाह ने क्या किया है फ़रिश्तों को दे दिया है का कि सुबै नज़ार काफ़ी किताब ही फिर अल्लाह रबुल्ज़त ने वो फ़रिश्ते जो बंदों के नेकियों और गुनाहों को लिखते हैं अल्लाह ने उनको क्या किया है ये डिटेल दे दिया कि देखो इस बात का तुमको पाबंद बनाया गया है तो तुम इस उसूल के तहत हमारे बंदों की अच्छाइयों को नेकियों को और बुराइयों को लिखना इसी उसूल के तहत जो मैं तुमको बता रहा वो उसूल क्या है फमन हम भी हसानातिन कि मेरे जो बंदे फमन हम जिसने भी नेकी का इरादा किया है फ़लम या अमल हा और उस नेकी को उसने नहीं ने किया नेकी की नीयत की नेकी करने करने का आज़म किया इरादा किया लेकिन उसको नहीं किया सन तन का तो अल्लाह तबारक ने उस नेकी की नीयत के बदले एक नेकी का सवाब रखा है समझ रहे हैं एक अजर अल्लाह ने उसके लिए रख दिया नियत नीयत की है अज़म किया इरादा किया लेकिन उसको किया नहीं एक अजर उसको मिलता है फ इन हम अबिहा फमीला और अगर नेकी की नीयत की है इरादा की आजम किया और नीयत के साथ साथ उसने उस काम को किया भी है तो उस पर क्या बदला है, लाहु इला इला कतीरा। तो क्या है? दस गुना अल्लाह नेकी पर उसको अजरे देता है उस अल्लाह उस ताला ताला उसको कितना देता है दस गुना और दस से सा गुना से सात सौ गुना कर देता है इलाजाफिन कसीरा और उससे आगे अल्लाह चाहे दे दे दस से यारी बंदे ने नीयत भी की है और नीयत के साथ साथ उस काम को अंजाम भी दिया किया भी तो आशारा हसनात दस नेकी अल्लाह लिखता है और दस से लेकर कितना सात सौ गुना और उस पर अनलिमिटेड जितना दे दे इस पर परमाए कराम ने कहा कि इलाताफिन कसीरा एक तो अल्लाह की मसीत पर है कि अल्लाह ताला जितना चाहे उतना दे दे कहा कि इसमें एक चीज ये भी आप देखें गौर करें कि ये ने किया ये तो फ़िक्स है कि हर जगह आपको उतना ही मिलना है इला अदाइफ़ इनका कतीरा जितना बढ़ा के अल्लाह दे दे किसी भी वक्त किसी भी जगह कहीं पर भी आप करेंगे तो आपको उस नेके पर इतना तो पक्का मिलना है दस गुना से सात सौ गुना तक लेकिन वक्त के हिसाब से समझ रहे हैं वक्त के हिसाब से और ज़माने के हिसाब से मकान के हिसाब से नेकियों में इजाफ़ा होता है सदका आप आम दिन में करिए वही सदकाब अशरजिलहिजा में करिए जिसकी फजीलत में आए उस दिन का अमल दूसरे दिनों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज्यादा पसंदीदा है यह वक्त के हिसाब से इजाफा हुआ कि नहीं मकान के हिसाब हिसाब से देखिए आम मस्जिदों में नमाज पढ़ना मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने कितना सवाब मस्जिद हरम में एक मस्जिद नबी में बढ़ा कर रहे कि आम मस्जिद में मकान ये मकान बता रहा हूँ नबी करीम ने फरमाया हदीस में कि मेरे घर और रोजा के दरमियान जो चीज है मेंबर मेरे घर और मेंबर मेंबर के दरमियान की जो जो जगह है वो क्या है जन्ना। है ना जन्नत के बागों में एक बाग है ये मकान की फजीलत है यहां क्या है कि मकान में आप उस जगह वो काम करेंगे वही काम जो दूसरे जगह आपने किया उस जगह आप वही काम करेंगे बढ़ाकर आपको मिल रहा है ठीक है यह नेकियों के सिलसिले में है क्योंकि इस पर दलील मंजा बिल हसन अल्लाह का यह वादा कुरान करीम की आयत करीमा नेकियों के सिलसिले में आपको जमाने के हिसाब से उतना तो मिलना है दस से लेकर सात सौ गुनाह तो आपको मिलना ही है लेकिन अगर आप उसी काम को किसी जगह पर कर रहे हैं किसी फजीलत वाले वक्त में कर रहे हैं तो उसमें क्या है इला कसीरा। बढ़ा कर मिलेगा बढ़ा कर मिलेगा लेकिन गुनाहों के सिलसिले में ऐसा नहीं है गुनाहों के सिलसिले में अब सवाल पैदा होता है ना कि भाई जिस तरीके से नेकी के बारे में तो गुनाह के बारे में क्या है तो फिर गुनाह आदमी किसी वक्त किसी जगह करेगा तो गुनाह के बारे में राम कहते हैं कि नेकी के सिलसिले में चूंकि दलील अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुरान की करीमा है गुनाह के सिलसिले में अल्लाह की दलील इज्जत ने फरमाया कि सैद फला युजजा इल्ला मिथला लिहाजा एक गुनाह वो कहीं भी करे गुनाह की कमियत में कमियत में फ़र्क हो सकता है यानी वो सगीरा से कबीरा हो सकती है वो गुनाह लेकिन तादाद में नहीं बढ़ सकता है वो कहीं भी करे ये अल्लाह इज्जत का फ़ज़ल है अल्लाह का करम है कि अल्ला ताला गुनाहों की सजा में अदर से काम दे रहा है और नेके में धड़ा ध़ा 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 देते धड़ाधर देते है। उसके आगे है कि मन हम्मा फलम कि जिसने गुनाह का इरादा किया बुराई का इरादा किया और उसको नहीं किया तो अल्लाह इज्जत के पास उसको जो है यानी इस बुराई से बुराई से बचने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास उसके यहाँ एक मुकम्मल नयके लिखी जाती है उसके हक़ में बुराई से बचने की वजह से बुराई का इरादा किया था लेकिन बच गया अब अच्छा देखिए बचने वालों की दो सूरतें होती हैं बचने वालों की दो सूरतें होती हैंमा कराम ने कहा कि ये कामिल अजर एक ने की कामिल मुकम्मल बगैर कमी के हुए एक नए किसको मिलेगी उसको मिलेगी जो अल्लाह के खौफ से बचता है आगे हदीस आएगी मिन अजली हदीस के अल्फाज मिन अजली इरादा किया गुनाह का लेकिन गुनाह से रुक गया सिर्फ अल्लाह के डर से अल्लाह के डर से रुक गया तो कहा उसको पूरी एक नेकी मिलेगी व इन हुआ हम लहा गुनाह का इरादा किया गुना की नीयत की और उसको कर भी बैठा कथा सज्जी वाहिद तो अल्लाह इज़्ज़त के नजदीक क्या है उसको एक गुना लिखा जाएगा एक गुना नेकी पर देखिए एक नेकी पर दस गुना उस और उससे आगे सात सौ और गुनाह पर सिर्फ एक एक गुनाह है एक सज़ा है और मुस्लिम की रिवायत में है देखिए अब नबी करी मेरे साथ हो सब एक रिवायत में एक जुमला यह आता है कि अल्लाह ताला बंदों को नेकी का इतना मौका दे रहा है और गुनाहों से बचने का इतना मौका दे रहा है कि अल्लाह ताला नेकी बे नेकी करो एक नेकी पर दस गुना दस से सात सौ और गुनाहों पर अल्लाह ताला बचने का इतना मौका दे रहा है एक गुनाह पर एक सजा है। उसके बाद नबी करीम फरमाते हैं ला अब इतनी छूट के बावजूद इतने ऑफर के बावजूद इतने बच बचाव के जरिए के बावजूद कि अल्लाह ताला बंदे के लिए ऐसे बचने का इतना मौका और इतना ज़रिया अल्लाह ताला फराम कर रहा है अब ऐसे सूरत में वही आदमी हलाक हो सकता है जो मुकम्मल तरीके से अपने आप को जिसने हला करने का इरादा कर लिया जिसने खुद को तबाह करने का इरादा कर लिया बर्बाद करने का इरादा कर लिया हो इतने बच बचाव के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुनाहों पर मिलने वाली सजाओं में अल्लाह के इस अदल के बावजूद नेकी पर फ़ज्ले के बावजूद अब अगर कोई अपनी जन्नत हासिल ना कर सके अब अगर कोई अल्लाह के अजाब से खुद को बचा ना सके तो फिर ऐसा आदमी समझ लो कि उसने फैसला कर लिया कि वो अपने आप को तबाह करके रहेगा तो ये मेरे भाइयों एक हदीस है जिससे हमको चंद मसले मालूम है सबसे अहम मसला जो कि हमारा जो मौजू चल रहा है वो ये है कि नीयत इंसान की अच्छी होनी चाहिए आप नीयत को मजबूत कीजिए जिस तरीके से इबादत में हम मेहनत करते हैं जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं एक एक चीज़ को समझते हैं और कोशिश करते हैं अपनी ताकत और इस्तदात के मुताबिक उसी तरीके से हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नीयत अच्छी हो सोच हमारी अच्छी हो आप वो काम कर सकेंगे आइंदा में ताकत आपके पास है कि नहीं है लेकिन आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए अल्लाह तआला हमें और आपको जो हदीस पे अमल की तौफीक अता फरमाए आमील वरमक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक जजाकल्ला